नमस्कार दोस्तों मैं हूं मिश्र टेकी मैं एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं दोस्तों आज बेसिकली मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूं Xiaomi के Redmi Note 4 और Xiaomi के Mi Max 2 के साथ तो बेसिकली यहां पर दोस्तों मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूं जहां पर क्या डिफरेंस है दोनों फोन्स में मैं वो अपने व्यूअर्स को सामने दिखाना चाहता हूँ सो राइट दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और जानिए कि क्या डिफरेंस है श्योमी रेडमी नोट फोर और श्योमी मी मैक्स टू के बीच de mim. राइट so right, दोस्तों यहां पर मेरे पास लेफ्ट साइड में है श्योमी रेडमी नोट फोर और राइट साइड में है मी मैक्स टू मैंने हाल ही में इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करी है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ट में दिया है आप वहां से उसको देख सकते हैं तो so पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ की आपको क्या क्या चीजें सिमिलैरिटीज इसमें मिलती हैं क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों फोन्स में श्योमी रेडमी नोट फोर और मी मैक्स टू में सो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जो दोनों में डिस्प्ले लगे हैं वो है टेन एटीपी फुलिसीन यहां पर आपको देखने को मिलती है और अगेन जो रेजोल्यूशन मिलता है वो भी आपको टेन ए मिलता है अगर दोस्तों मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की तो डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी यहां पर श्योमी Redmi Note 4 में आपको मिलते हैं 401 जीरो पिक्सल पर इंच और यहां पर सिंस एक बड़ा डिस्प्ले है तो पिक्सल डेंसिटी कम हो जाती है एंड वो है पिक्सेल पर इंच। पिक्सल so, right, पर इंच अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर आऊं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को चेक करें यहां पर तो दोनों फोन्स में आपको मिलते हैं क्वाल कॉम स्नैप ड्रैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव चिपसेट जो क्लॉग्ड है दो गीगा हर्ट्स पे एंड दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड उसके अलावा इवन जो ग्राफिक सपोर्ट भी मिलता है दोनों फोन को ग्राफिक सपोर्ट मिलता है बाई एड्रीनो फाइव जीरो सिक्स जी पी यू एंड उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको इस मॉडल में तीन वेरियंट्स मिलते हैं जहां पे जो मैक्सिमम वेरियंट है वो चार जीबी रैम एंड सिक्सटी फोर जीबी इंटरनल मेमरी के साथ आता है एंड यहां पे भी आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे जो मैक्सिम वेरियंट है वो आता है चार जीबी रैम और एक सौ अट्ठाईस जीबी इंटरनल मेमरी के साथ दोनों ही दोस्तों यहां पर वोल्टीज सपोर्ट के साथ आते हैं

और पांच मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो है टेन एटी पी एट थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड एंड यहाँ पर आपको फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है एट थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड दोनों फोन में ही दोस्तों आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलती है और जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी यूज करी है दोनों में ही फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है वो है सॉफ्टवेयर वर्जन का यहां पर दोस्तों आपको मिलता है एंड्रॉयड मार्श और यहाँ पे इस फोन में ये आता है एंड्रॉयड नुगट से के साथ एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको एम आई का भी लेटेस्ट एट वर्जन देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको मार्श देखने को मिलता है एंड जो एम का सॉफ्टवेयर आता है है उसका वर्जन है 8.2 आखिरी में अगर हम आए बैटरी पे तो मेजर चेंज अगेन यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको मिलता है 4100 100 मिली एमपी आर की बैटरी और यहां पर आपको देखने को मिलती है 5300 मिली एमपी आवर की बैटरी सो so, यहां पर अगेन बड़ी बैटरी है बट अगेन स्क्रीन साइज बड़ा है सो so, जो बैटरी बैकअप होगा वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होगा दोनों फोन का सो so, राइट right, ये था दोस्तों एक कंपैरिज़न वीडियो बिटवीन श्योमी रेडमी नोट फोर एंड श्योमी मी मैक्स टू सो so, श्योरली ये डिवाइसिस उनके लिए है जो श्योमी रेडमी नोट फोर से खुश थे बट उनको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए थी एक फैबलेट डिवाइस चाहिए था तो वो लोग इस डिवाइस को लेकर काफी खुश होंगे क्योंकि जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस और जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा इस डिवाइस का उसका मजा अपने में काफ़ी अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट फोर बट अगर मैं इसके डाउन साइड के बारे में बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बल्की फोन मिलता है जेब में रखने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर ये गिर जाए तो आई जा, गेस मेरे हिसाब से श्योरली ये भी ड्रॉप टेस्ट में फेल हो जाएगा सो so, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों डिवाइसेस के मैं किसको प्रेफर करता हूं मुझे मी मैक्स टू ज़्यादा अच्छा लगा है बिकॉज मेरे हाथ बड़े हैं तो मुझे बड़े फ़ोन्स को हैंडल करने में आसानी रहती है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है बड़े फ़ोन्स को यूज़ करने में सो so, मेरा पर्सनल चॉइस है मी मैक्स टू आउट ऑफ द टू बट दोनों में मेजरली टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ डिस्प्ले एंड बैटरी ही एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है और अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको दोस्तों वेरिएंट मिल जाता है ग्यारह हजार रुपये तक एंड यहां पर दोस्तों अभी मी मैक्स टू लॉन्च नहीं हुआ है बट एक्सपेक्टेड है ये अट्ठारह से उन्नीस हजार के आसपास ये लॉन्च होगा जब ये इंडिया में आएगा इंडिया में कब आएगा दोस्तों इसके बारे में यहां पर आपको कुछ नहीं बताया गया है सो so श्योरली हम भी वेट कर रहे हैं कि शॉमी से कोई अपडेट आए कि ये कब तक इंडिया में लॉन्च होगा सो so राइट right, दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो मैंने जहां पर डिफरेंशिएशन बताया है दोनों फोन्स में और यहाँ पर आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस है दोनों फोन्स में बताएगा कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक करिए शेयर करिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगा एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अभी के लिए इतना ही धन्यवाद